समिति में जमा करवा कर फिर ही बैठना है। और आपके पास कोई भी कीमती सामान या नकदी इत्यादि ज्यादा हो तो आप उसे अमानत के तौर पर आश्रम के कमरा नंबर 7 में जमा करवा सकते हैं, और जब आप वापस घर जाएं तो अपना सामान निकलवा कर ले जा सकते हैं। इससे आपको अपना सामान गुम होने का डर नहीं रहता और आप यहां निश्चिंत होकर सेवा कर सकते हैं, सत्संग मजलिस सुन सकते हैं। आपके साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा जीव आया है जिसकी दिमागी हालात ठीक नहीं तो भी आप उसकी संभाल क्या करें, उसका हाथ पकड़कर रखा करेंगे। तो जब ही सत्संगत पंडाल से बाहर हैं कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठें, क्योंकि पूजनीय गुरु जी के वचन है कि जैसे ही आप मजलिस पंडाल में आकर बैठ जाते हैं और यहां जो भजन वाणी हो रही होती है उसे आप ध्यान पूर्वक श्रद्धापूर्वक सुनते हैं तो तभी से ही आपको सत्संग का फल मजलिस का फल मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है बाहर कहीं भी बैठने के बजाय, बाहर कहीं घूमने के बजाय आप मजलिस पंडाल में आकर साध संगत के साथ मिलकर बैठेंगे। तो मजलिस का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, सभी ने मिलकर नारा बोलना है। दन दन चक्रु तेरा ही आश्रम। आश्रम के सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई प्रार्थना का भजन बोल रहे हैं जी। इनके वार प्रेमी मंगल जी इनसे भजन बोलने के लिए तैयार हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। सतगुरु जी तेरा दरिए कभी छूट न पाए हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे, ओ यही अर्ज है तुमसे। सतगुरु जी तेरा दरिए कभी छूट न पाए हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे, ओ यही अर्ज है तुमसे। माना के गुनाही हम हैं, तेरी रहमत क्या कोई कम है। माना के गुनाही हम हैं, तेरी रहमत क्या कोई कम है। पर मुश्किल है ये भारी, बड़ा ही जालिम मन है, बस इससे बचाए रखना बुरा कर्म न होए हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे, ओ यही अर्ज है तुमसे। Thank you.
हमसे मत लेना लेखा, खरे उतर सकेंगे कैसे, हमसे मत लेना लेखा, खरे उतर सकेंगे कैसे, मंजिल तक ले जाना जी हमको तो जैसे कैसे, बचनों में बांधे रखना ये डोर न टूटे हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्जी है तुमसे, ओ यही अर्जी है तुमसे। जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, तेरी रहमत पे जिंदा है, बिन रहमत तो मर जाते, भय हम पे बनाए रखना फिर गलत ना होगा कुछ हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्जी है तुमसे, ओ यही अर्जी है तुमसे। सतनाम जी प्यारे जी, दिया हमको जी सहारा, शाह सतनाम जी प्यारे, दिया हमको जी सहारा, भवसागर में डूबतों को दिया तूने जी किनारा, मीत कह रहे हैं मत सब पे मुसलाधार जम के बरसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्जी है तुमसे, ओ यही अर्जी है तुमसे। सतगुरु
गुरु जी मेरा दरिये कभी छूट न पाए हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे, ओ यही अर्ज है तुमसे। धन धन सद्गुरु तेरा ही अर्ज। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी मंगल जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी, इनके बारे प्रेमी परमानंद जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। और साथ संगत में अगर कोई ऐसा परिवार आया है जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा है, तो उस परिवार के भाइयों ने शेड के 37 नंबर पिलर के पास और उस परिवार की बहनों ने 97 नंबर पिलर के सामने बैठना है, लेकिन इससे पहले आपने 50 नंबर कमरे में अपना नाम पता इत्यादि लिखवा देना है। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुन बंदे प्यारे, नहीं मालिक तुमसे दूर, नहीं है दूर, नहीं है दूर, बिन यतन न मिलता और घट में है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। सुन बंदे प्यारे, नहीं मालिक तुमसे दूर, नहीं है दूर, नहीं है दूर। सुन बंदे प्यारे, thank you।
मालिक को तट तीरथ जंगलों में ढूंढता, वो बोले बेटा अंदर पर इसको ना पता, जैसे हिरण की नाभि धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी परमानंद जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बारे प्रेमी सुखजिंदर इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। और जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं, आपसे फिर प्रार्थना है, कृपया जल्दी से आप मजलिस पंडाल में आकर साथ संगत के साथ मिलकर बैठें जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदे तू सत्संग में आना, कभी तू भूल न जाना। तुम्हें एक बात कहनी है, समझ कर मान लेनी है। बंदे तू सत्संग में आना, thank you।
सत्संग में आना। सतनाम जी काल से नाम लिख बच जाओ, जी नाम लिख बच जाओ, काल का देश छोड़ कर ये अपने घर सचखंड जाओ, कि तुम मालिक से मिल जाओ, बंदे तू सत्संग में आना, बंदे तू सत्संग में आना, कभी तू बात कहनी है समझ कर मान लेनी है, बंदे तू सत्संग में आना, बंदे तू सत्संग में आना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रमी सुखजिंदर जी इनसे हम भजन सुना रहे हैं, इनके बाद सतप्रम तरसवादर कृष्ण जी इनसे भजन बोलने के लिए तैयार हैं, और साथ ही उनसे प्रार्थना है कि पंडाल में जो
बुजुर्गों के लिए कैबिन है, इधर भाइयों वाली साइड भी और सामने बहनों वाली साइड। तो इन बुजुर्गों वाले कैबिनों में केवल बुजुर्गों ने ही बैठना है, बुजुर्गों के अलावा कोई और इन कैबिनों में न बैठे। धन सतगुरु तेरा ही आसन। सत्संग में क्या मिलता है, सत्संग में आकर देखो वहाँ क्या समझाया जाता, वचनों को सुनकर देखो वहाँ क्या समझाया जाता, वचनों को सुनकर देखो सत्संग में क्या मिलता। वहाँ क्या समझाया जाता, वचनों को सुनकर देखो। पाना चाहो मुक्ति
क्या समझाया जाता, वचनों को सुन कर देखो सत्संग में क्या मिलता है, सत्संग में क्या मिलता है, सत्संग में आकर देखो वहाँ क्या समझाया जाता, वचनों को सुन कर देखो वहाँ क्या समझाया जाता, वचनों को सुन कर देखो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तरछेदार कृष्ण जी इंसान भजन सुना रहे हैं, इनके वाले प्रेमी अमन इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं। और सत्संग से प्रार्थना की, जब भी आप आश्रम में लंगर भजन ग्रहण करते हैं तो लंगर जितनी जरूरत है उतना ही लिया करें। लंगर सतगुरु का बेशकीमती प्रसाद है, श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें जी, और बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरी आसरा। सतगुर प्रेम तेरा पाके ये दीवाने जीते रहे हैं, जीते रहेंगे सतगुर, समा पे आशिक हो परिवाने आते तेरे चरणों
तेरी आस। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी अमन इंसान शास्त्रम जी नगर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद सतब्रह्म तरिशवादार महेंद्र जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं और सत्संग से प्रार्थना की आप आश्रम में सफाई का पूरा ध्यान रखा करें जी। कहीं पर भी कोई कागज छिलके इत्यादि पंडाल में या आश्रम में इधर उधर न फेंका करें, बल्कि जहां पर कूड़ादान रखे हुए हैं केवल वहीं पर ही डाला करें। धनन सतगुरु तेरा ही सतगुरु तेरा ही आसरा। हमको सतगुरु प्यार दिया है इतना, कैसे बताएं कितना, कैसे बताएं कितना।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु चरचौदार महेंद्र जी इंसा भजन सुना रहे हैं। इनके वाले प्रेमी इकबाल इंसा ओढ़ा से भजन बोलने के लिए तैयार हैं। और जब ये साथ संगत अभी भी पंडाल से बाहर है तो आपसे फिर प्रार्थना है, कृपया जल्दी से आप मजलिस पंडाल में आकर साथ संगत के साथ मिलकर बैठें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। मेरी मेरा करते करते सारा जन्म गवाए क्यों, मिट्टी में मिलाए क्यों। मेरी मेरा करते करते सारा जन्म गवाए क्यों, मिट्टी में मिलाए क्यों। संगति में आकर भाई राम का नाम दिया ले, दुर्लभ जन्म में मिला है हीरा।
तेरा इसका लाभ उठा ले। सात नाम धन जाने वाला इसको ना कमाए क्यों, मिट्टी में मिलाए क्यों। सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी इकबाल जी इंसान और ढंग से भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी मोहन इंसान कल्याण नगर से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। और सत्संग से प्रार्थना की हर महीने के आखिरी सत्संग वाले शनिवार को सुबह की मजलिस के बाद यहां पर शादी का रूबरू कार्यक्रम होता है, जिसमें विवाह योग्य लड़के व लड़कियों के परिवार आते हैं और आपस में बातचीत करके रिश्ते तय हो जाते हैं। इस कार्यक्रम में अमीर गरीब मध्यम वर्ग सभी तरह के परिवार आते हैं। सत्संगियों के बच्चे सुखी रहें, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, इसलिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है कि जिनके भी विवाह योग्य बेटा या बेटी है तो आप इस शादी के रूबरू कार्यक्रम में जरूर आया करें जी, ताकि सत्संगी को सत्संगी का परिवार मिल सके। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तैथों बंदिया बुराइया जितों टालिया नी गईया, सत संग आने लई राह पालिया नी गईया। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿੱਤੋਂ ਟਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿੱਤੋਂ ਟਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਤ ਸੰਗ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਸਤ ਸੰਗ ਆਉਣ ਲਈ ਵੇ ਰਾਹ ਪਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। Thank you.
बंदगी ना होई दौड़े आए कर तूता अरे कालिया नी गईया दौड़े आए कर तूता अरे कालिया नी गईया
तेरा ही आसरा प्रेमी मोहन इंसा कल्याण नगर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद हेड कवि राज सतगुरु चर्चावदार दिलीप सिंह जी इंसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेम का तो लगाना आसान है पर तोड़ निभाना मुश्किल है। कहना और सुनना आसान है पर करके दिखाना मुश्किल है। प्रेम का तो लगाना आसान है फिसले जाने का डर है बहुत यहाँ फिसले जाने का डर है बहुत। और एक बार जो फिसले गया फिर पाओ जमाना मुश्किल है। प्रेम का लगाना आसान है सुख से मंजिल
कर ले और सुख से मंजिल तय कर ले। गुरु बिना भाई इस मार्ग में एक कदम बढ़ाना मुश्किल है, प्रेम का तोल गाना आसान है। सतनाम जिए पर माते हैं, प्रेम मार्ग कठिन बताते हैं, प्रेम मार्ग कठिन बताते हैं। प्रेम शर्त है सिर की भेंट देना पर शीस चढ़ाना मुश्किल है, प्रेम का तोल गाना आसान है पर तोड़ निभाना कहना और सुनना आसान है पर करके दिखाना मुश्किल, प्रेम का तोल गाना आसान है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हटको विराज सतरुम चर्चावदार दिलीप सिंह जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। और जो भी बहन या भाई खूनदान करना चाहते हैं, आपका कोई भी ब्लड ग्रुप है, तो आप शास्त्राम जी स्पेशलिटी अस्पताल में अभी जाकर खूनदान कर सकते हैं जी। और लंगर समिति से बहन जरनैल कौर लहरा मोहब्बत से हैं, बहन जरनैल कौर लंगर समिति के सेवादार हैं। ये 10 नंबर गेट सचखंड हाल के 10 नंबर गेट के पास आकर मिल लें जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जापो नाम सतगुरु दा तेरी दो जिंदगी है जिंदगानी, हो जे ना नाम जपेगा बंदे तेरी ओ दरगा दे बिच हानी। राखियां जी फिरी फिर के तू जीवन बंदे दा पाया, कौटियां दे बटे मूर्खा हीरा जन्म में गवाया। ओ समादर सदा कोई ना तेरा जीवन बुल बुला पानी, ओ राम नाम जप बंदिया तेरी दो दिन दिए जिंदगी गानी। Thank you.
ਪੈਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀਤਿਆ ਕਰਾਰੀ ਫੁੱਲਿਆ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਦੋ ਖੜੀ ਪੈ ਕੇ ਕੀ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਮਨ ਮਾਨੇ ਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਗਾਨੇ सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी हरि राम जी इंसान भजन बोलने के लिए आ जाएंगे और सत्संग से निवेदन है कि आप कंटीनों पर सामान लेने के लिए जो टोकन इत्यादि लेते हैं तो आप इन टोकनों का इस्तेमाल केवल कंटीनों पर ही किया करें जी। कंटीनों के अलावा बाहर कहीं दुकानों पर या किराए भाड़े के तौर पर आपने टोकन नहीं देने। टोकन आपके पास बच भी जाते हैं तो आप वापस कंटीन पर ही कर दिया करें। टोकनों को घर पर भी साथ लेकर नहीं जाना जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, एक पुन और पाप पंद्रह कमाते हो। तुम्हें बताओ कि फिर दान क्या करे, तुम्हें बताओ कि फिर दान क्या करे। मारते हो जीव मजलूम को सताते हो, मारते हो जीव मजलूम को सताते हो, पाते हो सजा भगवान को बुलाते हो। तुम्हें बताओ कि फिर भगवान क्या करे, तुम्हें बताओ कि फिर भगवान क्या करे। Thank you.
सिखलाती है, ज्ञान सिखलाती है। हो गीता ज्ञान सिखलाती है, नेकी बदी का रास्ता दिखाती है, नेकी बदी का रास्ता दिखाती है। हो भक्ति प्रभु से मिलाती है, माया नर को नरक में ले जाती है, माया नर को नरक में ले जाती है। रहस्य खुद गुमराह हुए जाते हो, रहस्य खुद गुमराह हुए जाते हो, और फिर गीता ज्ञान झूठ बतलाते हो। तुम्हें बताओ कहे ज्ञान क्या करे, तुम्हें बताओ कि फिर ज्ञान क्या करे। टिकाने का हो अपने मन को टिकाने का, राज यही है ध्यान को जमाने का, राज यही है ध्यान को जमाने का। हो मन का तीर हो निशाने का, जोड़ो तज कर ध्यान सब जमाने का, जोड़ो तज कर ध्यान सब जमाने का। मंदिर में बैठे मन मंडी में घुमाते हो, मंदिर में बैठे मन मंडी में घुमाते हो, माला घुमा के सारा शहर घूम जाते हो। तुम्हें बताओ कि ध्यान क्या करे भाई, तुम्हें बताओ कि फिर ध्यान क्या करे। सिमरन में एक बिना लगाया हो, पाप धोने जाते हो तो और जा कमाते हो, पाप धोने जाते हो तो और जा कमाते हो, दोष नथा सिंह निर्दोष पे लगाते हो। तुम्हें बताओ फिर स्नान क्या करे, तुम्हें बताओ फिर स्नान क्या करे। पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, एक पुण्य और पाप पंद्रह कमाते हो। तुम्हें बताओ कि दान क्या करे, मारते हो जीव मजलूम को सताते हो, मारते हो जीव मजलूम को सताते हो, पाते हो सजा भगवान को बुलाते हो। तुम्हें बताओ कि भगवान क्या करे भाई, तुम्हें बताओ कि जिंदा राम क्या करे भाई।
भाई तुम ही बताओ कि फिर क्या सतनाम क्या करे। धन धन सतगुरु तेरा ही धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डॉक्टर हरगोविंद जी इंसान भजन बोलने के लिए आ जाए जी। इनके बाद प्रेमी राकेश जी इंसान एमएसजी कॉम्प्लेक्स से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। कोई भी टेलर मास्टर भाई यहाँ पर बैठा है सेवा करना चाहते हैं तो आप टेलर समिति में जाकर मिल लें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इधरों सुन के उधर कड छड दैव तैनू नित नित किसे समझाउणा नी माने आईया करके हस छड दैव ए वक्त अमोलक थोणा नी इधरों सुन के उधर कड छड दैव चौंकड़ी बौकरा मारदा है तैनू तेज कटार बिसारी नहीं जानू जानते ने कसाई ताई बेरैम नू रैम दी सारी नहीं गल वड के खल नू ला लेना वड के कल नू ला लेना कसाई काल तो किसे छड़ाउणा नी इधर सुन के उधर कड छड दै अकड़ के चाचो कटदानी आने गठिया दी डैरी लिख लिख के क्यों चक्की चटना छड़दानी अकड़ निंदिया दे विच गुम कर दे अकड़ निंदिया दे विच गुम कर दे वे जन्म अमोलक थोड़ा नी माने आईया करके हस छड़ दैवे वक्त अमोलक थोड़ा नी इधरों सुन के उधर कड छड़ दै
ਪ੍ਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੰਤ ਕਹੇ ਕੰਨ ਖਦੇ ਪਿਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੇ ਸੁੱਤੇ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨੀ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦਾ ਵੇ ਵਕਤ ਅਮੋਲ ਕਿਉਣਾ ਨੀ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਧਰ ਕੱਢ ਛੱਡਦਾ ਸਮਝ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਮਕਸਦ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਆਵਣ ਦਾ ਕਦੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਾਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜਦਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜਦਾ ਰਹੇ ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਿਸ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨੀ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦਾ ਵੇ ਵਕਤ ਅਮੋਲਕ ਕਿਉਣਾ ਨੀ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਧਰ ਕੱਢ ਛੱਡਦਾ प्रेमी राकेश जी इंसान मैं इसी कॉम्प्लेक्स से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बारे प्रेमी पूर्ण चंद जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार है। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पछताओगे जरा सोचो, पछताओगे जरा सोचो, ऐसा जन्म फिर ये कभी ना हाथ आएगा। पछताओगे जरा सोचो, पछताओगे जरा सोचो, ऐसा जन्म फिर ये कभी ना हाथ आएगा। पछताओगे जरा सोचो, Thank you.
बड़ी मुद्दत से बड़ी मुश्किल से हाथ आता है। नाम लिए बिन नाम जपे बिन विरथा जाता है। हो चल गया हाथ से फिर ना ये आता है। पछताओगे जरा सोचो, पछताओगे जरा सोचो। जन्म तो और भी पाए हैं पर काम न आए जी। काम काज खाने सोने में दिए बिताए जी। हो इसी जन्म में प्रभु को पाए जी। पछताओगे जरा सोचो, पछताओगे जरा सोचो। काम तू कर ले जो तेरे साथ जाएंगे। कर सत्संग तू नाम सिमर ले ये काम आएंगे। हो दुनिया के पदार्थ ना कोई साथ जाएंगे। पछताओगे जरा सोचो, पछताओगे जरा सोचो। शाह सतनाम जी कह दी सारी सोच जरा कर ले। आज का काम न कल पे छोड़ो, आज अभी कर ले। हो फिर करेगा तू कब आप मरे पर ले। पछताओगे जरा सोचो, पछताओगे जरा सोचो। ऐसा जन्म फिर ये कभी ना हाथ आएगा। ऐसा जन्म फिर ये कभी ना हाथ आएगा। पछताओगे जरा सोचो, पछताओगे जरा सोचो। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी पूर्ण चंद जी इंसान भजन सुना रहे जी। इनके बाद सतपुरम चर्चावदार गिरीश जी इंसान भजन बोने के लिए तैयार रहे जी। और सत्संग से निवेदन है कि आपने रेलगाड़ी द्वारा कहीं पर ही सफर करना है तो आप टिकट यहीं से ही लेकर जाया करें। कालबुद्ध के पास रेलवे टिकट खिड़की खुली हुई है तो आप यहीं से ही टिकट लेकर जा सकते हैं।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तुझे संत पुकारे जननी क्यों हारे, नाम जप ले नाम जप ले नाम जप ले नाम जप ले। तुझे संत पुकारे जननी क्यों हारे, नाम जप ले नाम जप ले नाम जप ले नाम जप ले। दुर्लभ जन्म जो मिला है तुझी को, दुर्लभ जन्म जो मिला है तुझी को, देवी देवते
से हो जन्म मरण के कष्ट उठाए लगे बेअंत हैं बरसे भाई लगे बेअंत हैं बरसे पूंजी स्वासों की हारे जाए हाथ जारे नाम जप ले नाम जप ले नाम जप ले सतगुरु तेरा ही आसरा सतगुरु चर्चा गिरीश जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी गोपाल जी इंसान कल्याण नगर से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। और जो भी साथ संगत पंडाल से अभी भी बाहर है तो आपसे फिर प्रार्थना है कृपया जल्दी से आप मजलिस पंडाल में आकर साथ संगत के साथ मिलकर बैठें जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरे ही आस। प्रेम से ही ये दुनिया हसी है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम से ही ये दुनिया हसी है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम से ही ये
राम जी की बात सही है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम से ही ये दुनिया हंसी है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम से ही धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गोपाल जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी महेंद्रपाल जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। कल रविवार है और सत्संग का दिन है। सत्संग ठीक 8:30 बजे कल शुरू हो जाएगा। सत्संग के बाद पूजने गुरु जी नाम शब्द गुरु मंत्र देंगे और फिर शाम को 6 बजे रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। आपने आगे के आगे बता देना है और नाम वाले जीवों को भी लेकर आना है जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लाह मानस जन्म दा खत जी, चुगा अपना रहा क्यों पट जी। ले नाम दया बंदया, ले नाम दया बंदया। ओ लाह मानस जन्म दा खत जी, चुगा अपना रहा क्यों पट जी। ले नाम दया बंदया, ले नाम दया बंदया। ओ सुन ले तू गल कन ला के, देख बचना ते अमल कमा के। देख बचना ते अमल कमा के, कर संगत कुसंग तो हट जी। ले नाम दया बंदया, ले नाम दया बंदया। ओ जन्म मिला दुर्लभ जी, एह जन्म है दुर्लभ मिलया। फूल सदियां दे मगरों खिलया, फूल सदियां दे मगरों खिलया। ए दलाब उठा ले झटपट जी। ले नाम दया बंदया, ले नाम दया बंदया। ओ ले नाम दया बंदया, ले नाम दया बंदया। ओ
सद मन दान करना विशाजी पक्का दुश्मन संत गवाजी पक्का दुश्मन संत गवाजी देखे तो खाते वे नर कांच सट जी लेनाम दया बंदिया लेनाम दया बंदिया ओ ओ, 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 ओ. करने बोला अज कर ले आप मारे जग हो जाए पर ले आप मारे जग हो जाए पर ले कहे शासक नाम दी नाम रट जिले नाम दया बंदिया ले नाम दया बंदिया ओ, 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 लाह मानस जन्म दा खत जी चुग अपना रहा क्यों पट जिले नाम दया बंदिया ले नाम दया बंदिया ओ, 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 दन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी महेंद्र पाल जी इंसान भजन सुना रहे हैं इनके वाले प्रेमी शिवजिंद्र इंसान ब्लॉक ख्याला कला से भजन बोलने के लिए तैयार हैं धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मिला ये जन्म नाम जपने लिए नाम जप कर कर लो जन्म का उदय मिला ये जन्म नाम जपने लिए नाम जप कर कर लो जन्म का उदय फिर ना मिलेगा समा फिर ना मिलेगा समा मिला ये जन्म नाम जपने लिए नाम जप कर कर लो जन्म का योदा फिर ना मिलेगा समा फिर ना मिलेगा समा दुर्लभ जन्म मिला है प्रभु मिलने की बारी कदर ना इसकी जाने हासो कर है गुजारी तुझको नहीं खबर भूल गया अपना घर हो रहा है दर बदर जन्मा गया है मर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी लालचंद जी इंसान भजन बोलने के लिए आ जाए जी जब इस साधगत पंडाल से बाहर है आपसे प्रार्थना है कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठे और जो बहन या भाई यहां खड़े हैं कृपया सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी रहे हैं सभी ने सत्कार में नारा बोलना है धन सतगुरु तेरा ही आसरा
धनदन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी लाल चंद जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धनदन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनदन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओ परदेसिया जीव परदेसिया, ओ परदेसिया जीव परदेसिया, ओ परदेसिया भूल न जाना ये देश है बेगाना, भूल न जाना ओ परदेसिया जीव परदेसिया, ओ परदेसिया सत लोक जहां से तू आया है, काल का है देश जहां डेरा लगाया है, खबर नहीं किस काम को आया है, भूला है वापस जाना ओ परदेसिया जीव परदेसिया, ओ परदेसिया व्यापारी जी, सच्चा सौदा करना था बात ना विचारी जी, झूठे सौदे कर कर पूंजी सारी हारी जी, साथ नहीं कुछ जाना ओ परदेसिया जीव परदेसिया, ओ परदेसिया सत लोक नाम ही ले जाए जी, काल से भी पीछा तेरा नाम ही छुड़ाए जी, शाह सत नाम जी रहे समझाए जी, नाम सदा ही ध्यान ओ परदेसिया जीव परदेसिया, ओ परदेसिया भूल न जाना देश है बेगाना, भूल न जाना ओ परदेसिया।
सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम दयालु प्रभु मिलने की वारी है जी, मिलने की वारी है। नाम दयालु प्रभु मिलने की वारी है, ये मिलने की वारी है। नाम दयालु प्रभु मिलने की वारी है, ये मिलने की वारी है।
काल से बचने के नाम ही दवा है, काल से बचने के नाम ही दवा है। शहसत नाम जी, शहसत नाम जी, रोज पुकारी है जी, रोज पुकारी है। नाम दयालु प्रभु मिलने की वारी है, ये मिलने की वारी है। नाम दयालु प्रभु मिलने की वारी, ये मिलने की वारी है। नाम दयालु प्रभु मिलने की वारी, ये मिलने की वारी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी सहज नवाजी प्यारी सत्संग जीओ, मनुष्य जन्म उस परम पिता परमात्मा को मिलने का सुअवसर है, और इस जन्म में इंसान वो खुशियां हासिल कर सकता है, उस परमानंद की प्राप्ति कर सकता है जिसके बारे में इंसान का दिमाग कभी सोच नहीं सकता, कभी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा परमानंद भी होता है, ऐसा आनंद, ऐसी लज्जत भी होती है, ऐसी खुशियां भी होती हैं। क्योंकि इंसान की बुद्धि भौतिकतावाद में उलझी हुई है, साइकिल पे जा रहा है, कोई स्कूटर पे पास से चला गया, कहता क्या इसके मजे हैं। स्कूटर पे जा रहा है, कोई कार वाला चला गया तो कहता क्या नजारा है अगर ये मुझे मिल जाए। तो इसी तरह कारों वालों के अंदर इच्छा होती है कि हवा में उड़ार हो, उनकी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं कि कहीं चंद्रमा में फ्लैट हो और वहीं रहें, तो पता नहीं और क्या क्या। तो जैसे ये इसी तक सीमित हैं स्वाद में, किसी को कोई नमकीन मीठा, कोई भोग विलास, इंद्रियों के भोग विलास का आशिक होता है, उनको वही स्वाद वही लज्जत दुनिया में सबसे सर्वोपरि रखती है कि इससे बढ़ के दुनिया में कोई नजारा है ही नहीं, क्योंकि इंसान की बुद्धि यहीं तक सीमित है। लेकिन चाहे स्कूटर वाले को कार मिल जाए, कार वाले को हवा में उड़ार मिल जाए, उसका मजा क्षणिक होता है। कुछ दिनों में कार है कि नहीं है, उसका नजारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चलता, आम सी बात हो जाती है, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि उसके पास कार भी है। पहले साइकिल पे कितना अजीब लगता था, अब कार पे मजे आ रहे, कुछ दिन मजे आते हैं, फिर नॉर्मली हाँ है तो है। घर में खुशबू आ रही है, फूल लगे हैं, गुलाब है चारों तरफ, या रात की रानी है, उसकी खुशबू आती है, कुछ दिन खुशबू आती है, बाद में ये भी नहीं पता होता कि घर में गुलाब के फूल भी लगे हैं, क्योंकि आदमी की आदत है थोड़ी देर के लिए बस उसी से फिर उसका हाल वैसे का वैसा हो जाता है। लेकिन परमानंद में यही अलग बात है, उसमें लज्जत लेता है, आनंद लेता है इससे करोड़ों अरबों गुना ज्यादा, लेकिन वो परमानेंट रहता है, रोजाना उसका मजा आता है, लगातार उसका मजा बना रहता है। ये नहीं कि क्षणिक आया और खत्म हो गया, इंद्रियों के भोग विलास है, इसके लिए लोग कितना कुछ करते हैं, पागल हुए रहते हैं, क्या क्या नहीं करते, प्लानिंगें करते हैं, सारा दिन मत्था पची इसी में उलझे रहते हैं, लाठियां खाते हैं, मरते हैं, मारते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है क्षणिक आनंद के लिए, और उसमें परमानेंटली है और इससे करोड़ों अरबों गुना बढ़ के है। तो आदमी की बुद्धि सोच भी नहीं सकती, संत पीर फकीर सुनाते हैं तो उसको लगता है ऐसे झूठ है, सच थोड़ी ना है ये चीज। पर सच तो तभी हो ना जब सुमण करे, दृढ़ विश्वास रखे और अंदर की चढ़ाई करके मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करे, तो फिर वो परमानंद मिलना शुरू हो जाता है, फिर कमी रहती ही नहीं। जिधर निगाह मारता है मालिक का नूरी सुब्रूप नजर आता है, जिधर निगाह मारता है लज्जत खुशियां आनंद परमानंद से माला माल हो जाता है। तो ऐसा नजारा, ऐसी लज्जत है मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में, उसके दर्श दीदार में। पर कोई जीव उसे पाए तो ना, जीव तो उलझा हुआ है, जीव उलझा हुआ है रसों कसों में, दुनियावी साजो सामान में, और इसी में उलझा हुआ, इसी को अपनी जिंदगी समझता है। जिनकी शादियां हो जाती हैं, हमने देखा ऐसे लोगों को, वो कहते हो काश हमने भी सेवा करते होते, बाहर सत्संग करने जाते हैं,
सतब्रह्मचारी भाई बहने, ब्रह्मचारी भाई बहने वहां जाते हैं तो बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े महकमे के अहदेदार चीफ, हम कई बार चर्चा हुई, वो यही कहते हैं कि इनकी जिंदगी तो कमाल की है, काश हमें ये जिंदगी मिली होती। कुदरत है, जो सेवा करता है, दृढ़ विश्वासी है, सुमण करता है, वो तो सही है। जिसका मन सेवा में नहीं लगता, सुमण नहीं करता, भटकता है, उडू उडू करता है, मतलब दौड़ने को करता है, उनको लगता है कि शादी जैसा कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। तो मतलब ये है कि आदमी जब तक दृढ़ विश्वास नहीं करेगा, सुमरण नहीं करेगा, सत्संग सुन के अमल नहीं करेगा, तब तक खुशियां नहीं मिलती। चाहे वो कुछ भी बन जाए, कुछ भी हो, दृढ़ विश्वास हो और सुमरण थोड़ा करे, चाहे सेवा करे, परमार्थ करे, लेकिन सुमरण करे तो उसका विश्वास पक्का बनता है, तो वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनता है, घर गृहस्थ में रहता सुखी। और अगर कोई त्यागता है, ब्रह्मचारी है, तो फिर तो कहना ही क्या, उस जैसी जिंदगी तो त्रिलोकियों में, दोनों जहान में अपने आप में एक अलग जिंदगी होती है। बड़ा मालिक उसके ऐसी कुलों का उद्धार करता है, कोई सोच भी नहीं सकता। आदमी को होता है यार मैं तो खुद मर रहा हूं, कुलों को कौन तारे। यही तो है मन की चाल, क्योंकि मन इंसान को अपने गिरफ्त में काबू रखता है, हिलने नहीं देता। वरना जरा सोचिए, आपके जन्मदाता, उनके जन्मदाता जो पशु पक्षी परिंदों में घूम रहे हैं, गंदगी के कीड़े बने हुए हैं, कोई ओढ़ निभा के इस दुनिया से जाता है, एक मालिक से निभा के, तो मालिक उनकी उन सब कुलों का उद्धार पल में कर देते हैं और वो जय जयकार कर देते, धन्य हमारी कुल जिसमें ऐसी औलाद जन्मी, और उसका धन्य धन्य उनके पूर्वज करते हैं। और हमारे धर्मों में ये लिखा है, माँ बाप का ऋण उतारा नहीं जा सकता। माँ ने जो 9 महीने गर्भ में रखा, उसका ऋण कैसे उतारेंगे? कोई किसी से पैसे लेके ऋण उतार देता है कि ठीक है भाई तूने मुझे पैसे दिए, ले समेत ब्याज ले ले, तो ऋण उतर गया। पर माँ ने जो गर्भ में रखा, बाप का जो साया मिला, और गुरु पीर फकीर का तो ऋण कोई चुका सकता ही नहीं, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले। सवाल ही पैदा नहीं, जो आवागमन से आजादी दिलवा देता है, जीते जी गम चिंता टेंशन परेशानियों से बचा देता है, और मौत जैसे भयानक कर्मों से बार बार बचाता रहता है, उसका ऋण तो कोई कैसे चुका देगा जब माँ बाप का ही नहीं चुकाया जा सकता। पर कोई ओढ़ निभा जाए मालिक से, घर गृहस्थ वाला भी वचनों पे पक्का रहता हुआ सुमरण करता है, ओढ़ निभाता है, उसकी भी मालिक कुलों का उद्धार करता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारी मालिक के लड़ लग जाते हैं, सब दुनिया में जलते बलते भट्ट से निकल के मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं, तो उनका तो कहने क्या, उनको आगे वो रुतबा मिलता है, बाकी सब रूहें नमस्कार करती हैं कि वाह वाकई भाई ये धन्य है, धन्य है। पर इस रुतबे को आखिर तक निभाना कोई आसान काम नहीं है। परमपिता जी के वचन है, सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा उच्चा, इत्थे मिट्टी होके रहना पैंदा शान दा की कम। बस जो शान में मान बढ़ाई में चक्कर में पड़ गया, वो तो गया समझो, क्योंकि उसका टाइम पीरियड होता है, मन उसका उसको दगा देता रहता, नहीं इतने टाइम बाद, अब ये टाइम नहीं, वो टाइम नहीं, फलां टाइम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलां नहीं, तो उसका मन तो उसे पीड़ता रहता है, मन उसे तड़फाता रहता है। लेकिन जो दृढ़ विश्वासी होता है कि हाँ भाई अब जिंदगी ओढ़ निभानी है, सेवा करनी है, परमार्थ करना है, सबका भला सोचना, अपनी जिंदगी को दुनिया के लिए लगा देना है, यकीन मानो मालिक उसके लिए अपना सब कुछ लगा दिया करते हैं। सो ऐसा दृढ़ विश्वास घर गृहस्थ में रहते बना लो, या फिर अगर आप त्यागी हैं तो उसमें रहते बना लो, यकीन मानो उस परमानंद के काबिल आप एक दिन जरूर बन जाओगे। जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, उसका लाभ आप एक दिन जरूर उठा पाओगे। तो प्यारी सत्संग जीओ, विदेशों से बात करना चाहते हैं, बर्लिन जर्मनी से, बोलो भाई रमेश, इनसे बात करो बेटा। एक तू में एक मैं ओ माँ, अरे सचखंड वाला नजारा, सस विच रहन वालिया, तेरे बिना नहीं साडा गुजारा, सस विच रहन वालिया, सच्चा सौदा बनाउन वालिया, जाम पिलाउन वालिया, इंसान बनाउन वालिया।
पिताजी आप जी का बेटा बर्लिन जर्मन बोल रहा पिताजी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी आपकी बेटी रितु से बात करना। जी जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी की बेटी रितु इंसा बर्लिन जर्मनी से बोल रही हूँ। जी बेटा। पिताजी आप जी की रहमतें बहुत हैं। पिताजी आप जी कैसे हो जी? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप लोग सुनाओ। पिताजी जिसके ऊपर आपका साया उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी पिताजी, अगर आप जी की इजाजत हो तो छोटी छोटी दो तीन बातें करनी है। बोलो बेटा। पिताजी सबसे पहले तो मैं आप जी का थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप जी की रहमत से ही मेरा नाम पासपोर्ट पे इंसा हो गया। जी बहुत अच्छा। एक चीज की मैं माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने एक लॉकेट डाला हुआ था जो कभी का डाला हुआ था, जो गोल होता है, एक तरफ आप जी का स्वरूप है, दूसरी तरफ आप जी के ही सास अकनाम जी के रूप का है। जी। तो एक स्वरूप में से कहीं गुम हो गया, लॉकेट तो है, एक तरफ स्वरूप भी है, एक तरफ पता नहीं कहाँ पे गुम हो गया। कोई बात नहीं बेटा, जब आप इधर आएंगे तो स्वरूप ले लीजिए या फिर लॉकेट बदल लीजिए, उसे संभाल के रख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है, कोई बात नहीं। पिताजी मेरे पास था लॉकेट, मैं दूसरा डाल लिया उसकी जगह। जी ठीक है। और पिताजी आप जी की रहमत से ही मेरी बड़ी बेटी किंजा का एडमिशन हो गया स्कूल में। पिताजी आप जी की बहुत बहुत मेहरबानी। जी बेटा। और पिताजी एक मेरी सबसे छोटी बेटी सुखरीत का कल जन्मदिन है, लेकिन हम आप जी के साथ आज मनाना चाहते हैं। पिताजी अगर आप जी की इजाजत हो तो। ठीक है बेटा, नारा लगा के आप केक काट लीजिए, सामने है, मालिक खुशी बख्शे, अच्छी नेक इंसान बने ये बच्ची। जन्मदिन की खुशी में हम 21,000 के मानवता भलाई में करवाना चाहते हैं। जी बेटा, मालिक आपके घरों में खुशियां बख्शे, आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद बेटा। पिताजी आप आशीर्वाद दो। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और पिताजी कल हमारे घर नाम चर्चा है, बिस्किट का प्रसाद रखे है, बिस्किट रखे हैं, इसको भी प्रसाद बना दो पिताजी। जी बेटा, मालिक से दुआ करते हैं, मालिक करने वाले हैं बेटा, प्रसाद बन गया, ले लीजिए सब, मालिक खुशियां बख्शे। मुर्शिद प्यारे प्यार तेरे दिन पलवी रहना नहीं, दर्द जुदाइयां वाला दिल ने पलवी सहना नहीं, अपने चरनी दाता तेरी ओर निभा देना, तू याद रहे ते सानू सदा आप बुला देना, तू याद रहे। जी बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद बच्चियों ने भी गाया और आप सबने, तो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। पिताजी आप जी का बेटा रमेशन सा। जी पिताजी, मेरा परिवार बठिंडा में ऑनलाइन मजलिस सुन रहा है, आप उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए कि वो भी तन मन से सेवा करते हुए आपके चरणों में और निभा जाए। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी आप इतनी हिम्मत दे हमें कि हम सब परिवार आपकी सेवा सिमरन तन मन धन से करें और आपके चरणों में सभी और निभा जाए। ये बच्चे आप ही की हैं, हम भी आप ही के हैं, आप जैसे चलाएंगे जैसे करेंगे वैसे ही होगा। पिताजी आप कृपा करो कि हम सब तन मन धन से आपके चरणों में सेवा करते हुए और निभा जाए। बस वचनों पे पक्के रहो बेटा, सबसे जरूरी यही है, और सुमण करते रहो, सुमण बने ना बने उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये घोर कलयुग है, किया गया सुमण मालिक अपनी दरगाह में मंजूर कबूल करते हैं और बदले में बेइंतहा खुशियां बख्शते हैं। सो सुमण करते रहिए जितना भी हो सके, वचनों पे पक्के रहो, तो मालिक कमी नहीं छोड़ता। जी पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद बेटा। विदेशों से आए हैं जी, मनजीत कौर, कर्मजीत कौर इंसान, हांगकांग से।
खड़े हो जाएं बेटा, कहीं बैठे तो जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिएगा, मालिक खुशी दे आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और भारत के दूर दराज से आए हैं जो मर्जी इंसान व परिवार, चेन्नई तमिलनाडु से, बहुत बहुत स्वागत आपका बेटा आशीर्वाद। और मालिक खुशियां बख्शे, आप भी प्रसाद ले जाना, मालिक रहमत करे आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। बाकी जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनो शामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का तो समय साधन के मुताबिक आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादर भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा सजे रहिएगा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक दो मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। शाम की मजलिस का समय 5:30 बजे का है जी। जो बहने भाई लंबे समय से बीमार हैं और पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, उन भाइयों ने शेड के 36 नंबर पिलर के पास और बहनों ने 99 नंबर पिलर के पास आकर प्रसाद ले लेना है। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सारी संघ से प्रार्थना है कि शाह मस्ताना जी धाम से लेकर आगे नेजिया गांव तक आपने किसी ने जमीन या प्लाट वगैरह नहीं खरीदना। अगर आपको प्लाट या फ्लैट की जरूरत है तो कमरा नंबर 50 में अपना नाम लिखवाएं। इस प्रार्थना को सारी संगत ने मानना है और सभी ने गुरुमुख मानना है। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। जो बहन या भाई खूनदान देना चाहते हैं तो वो 50 नंबर कमरे के पास बस खड़ी है, वहां पर चले जाएं, बस आपको अस्पताल में ले जाएगी और वहां से खूनदान के बाद वापस यहीं पर आपको छोड़ जाएगी। जो भी बहन या भाई खूनदान करना चाहते हैं, कोई भी आपका ब्लड ग्रुप है, तो आप अभी 50 नंबर कमरे के पास जो बस खड़ी है वहां पर चले जाएं जी। बस के द्वारा आपको अस्पताल ले जाया जाएगा और वहां पर खूनदान करके आपको वापस यहां पर ही छोड़ा जाएगा जी। और जो बहन या भाई सेवा करना चाहते हैं तो आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं। शास्त्र रामपुरा की नाम तो कल होनी थी, जो आज 10 से 12 होनी थी वो अभी हो रही है। अब पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। शाम के मजलिस का समय जो पहले 5 बजे का था, आज से 5:30 बजे का है जी। 5:30 बजे शाम के मजलिस का समय। कल पूजनीय गुरु जी सत्संग फरमाएंगे, सत्संग ठीक 8:30 बजे शुरू होगा। सत्संग के बाद नाम शोध गुरु मंत्र मिलेगा और शाम को रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। आगे के आगे आपने बता देना है और नए जीवों को नामदान के लिए भी लेकर